प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान दौरा हर ओर चर्चा में है। पाकिस्तान जाने की मोदी जी की मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन परस्पर मैत्रीय भावनाओं को खुलेआम दिखाना उनकी पाकिस्तान यात्रा को अच्छी बुरी सुर्खियों में ले आया। 2004 के बाद मोदी ही हैं जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की कहानी काफी पुरानी और लंबी है। शुरुआत सन 1947 से कर सकते हैं, जब से दोनों देशों को अपना वजूद मिला। भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाया तो पाकिस्तान ने एक अलग राष्ट्र ही बना लिया, और आजादी के साथ ही दोनों मुल्कों के बीच एक नफरत की दीवार भी खड़ी हो गई जो आज तक बरकरार है। इस रिश्ते में कभी खटास ज्यादा हो जाती है तो कभी मिठास, लेकिन रिश्ता बना रहता है। ऐतिहासिक हो या राजनीतिक, खेल हो या मनोरंजन की दुनिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान रेखाओं के बीच बटा हुआ है। एक तरफ जहां सीमा पर आए दिन होते हमले दोनों के बीच की कलह को मिटने नहीं देते, वहीं राजनीतिक स्तर पर ये मनमुटाव कभी बढ़ता तो कभी घटता नजर आता है। फिर चाहे वो कश्मीर जैसा बड़ा मुद्दा हो या नेताओं की एक दूसरे पर टिप्पणी, इन्हीं सब चीजों के बीच एक चीज ऐसी भी है जो सीमा के आर पार आपसी प्रेम और सौहार्द को बनाए हुए है, और वो है हमारी संस्कृति। खेल और मनोरंजन जगत के जरिए भारत और पाकिस्तान हमेशा जुड़े रहते हैं। अंग्रेजों ने 1947 में वापस कूच करने से पहले भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया था। एक सियासत रही भारत के पास तो दूसरी मिली पाकिस्तान को। भारत अपनी आजादी का दिवस 15 अगस्त को मनाता है, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को यह जश्न मनाता है। तब राजनीतिज्ञों ने अपना फैसला लिया और देश का बंटवारा किया, लेकिन उसका परिणाम भुगता बेहिसाब निर्दोषों ने। लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए, मारे गए, जख्मी हुए। किसी ने अपना आशियां खोया तो किसी ने मजबूरियों के बीच कहीं का बसेरा कहीं ले जाकर बसाया। जो खुशनसीब थे वो शायद उस वक्त के गवाह बने। तब हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनकर उभरा, जहां हिंदुओं की संख्या मुसलमान भाइयों से कई गुना ज्यादा थी, और पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना जहां मुसलमानों की गिनती अधिक थी। लेकिन हालात कुछ और ही मसलों की वजह से बेकाबू हुए। सियासी स्तर पर कई गंभीर मुद्दे उभरे, जैसे कश्मीर, LOC उल्लंघन और आतंकवाद। आजादी के वक्त ही कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किसी भी देश को अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने लोकल रिबेल्स के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में मिलाने का फैसला किया, पर तब तक पाकिस्तानी सेना कश्मीर का काफी हिस्सा अपने कब्जे में कर चुकी थी। तब भारतीय सेना ने कमान संभाली और पाकिस्तानी फौज को पीछे खदेड़ना शुरू किया। 1947 से 1949 में हुई ये जंग कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुई पहली जंग थी, जिसके बाद कश्मीर का लगभग तिहाई भाग पाकिस्तान को मिला और बाकी का भारत के हिस्से में आया, जिसमें जम्मू भी शामिल था। तब फैसला जो भी हुआ हो, लेकिन कश्मीर का मुद्दा आज भी गरमाया रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच दूसरी और तीसरी जंग हुई 1965 और 1971 में, और दोनों लड़ाइयों में भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी। फिर 1999 में पाकिस्तान ने भारतीय सीमा को फिर लांघा, कारगिल पर हमला किया और फिर मुंह की खाई। इस युद्ध के बाद 2004 में जनरल मुशर्रफ और PM मनमोहन के बीच दोस्ती की बात आगे बढ़ी, लेकिन 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले ने दोनों देशों के बीच खटास बढ़ा दी और रिश्ते कड़वे ही बने रहे। यहां तक कि आपस में क्रिकेट खेलने पर भी रोक लगी रही। फिर शपथ ग्रहण के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत बुलाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो भारत पाक रिश्ते सुधारेंगे। हालांकि उसके 1.5 साल बाद तक कुछ नहीं हुआ, और अब मोदी अचानक लाहौर पहुंच गए, वो भी उस वक्त जब उनकी पार्टी और सहयोगी पार्टियां पाक के साथ क्रिकेट खेलने से भी मना कर रहे थे। दोनों देशों की ज्योग्राफी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और पंजाब से मिलती है, और भारत पाकिस्तान की तरफ वाले पंजाब और सिंध को छूता है। लेकिन वाघा बॉर्डर वो अकेला रास्ता है जो लाहौर और अमृतसर के जरिए सड़क और रेल की मदद से दोनों देशों को जोड़ता है। इससे लोग बिना पाबंदी के सीमा पार करते हैं, पर इसके लिए भी वीसा का होना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं, जिनमें नतीजा जो भी निकला हो, परिणाम आम जनता नहीं भुगता है,
और हर बार मुद्दा एक ही था, कश्मीर, और मकसद सिर्फ सामने वाले का नुकसान, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आजादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जंग जो भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी वो थी 1965 की। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ सबसे बड़ा टैंक युद्ध था, जिसमें भारतीय सेना ने 128 और पाकिस्तानी सेना ने अपने 150 टैंक तबाह किए। इसके बीज पाकिस्तान ने बोए थे अपने ऑपरेशन जिब्राल्टर से। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की, जिसके फलस्वरूप 3 हफ्तों तक दोनों देशों के बीच घमासान हुआ। हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। कई जाने गईं और थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नेवी भी इसका हिस्सा बने। ये युद्ध आखिरकार यूनाइटेड नेशंस की दखल के बाद थमा, जब सीज फायर यानी युद्ध विराम घोषित हुआ। जिस सेना के पास जो हिस्सा था उसके बीच LOC घोषित कर दी गई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। 1966 में दोनों देशों ने शांति समझौते पर दस्तखत किए और हाथ मिलाए। उस वक्त भी युद्ध की वजह से कई स्थानीय लोगों को अपने घर खाली कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा था। 1965 के इस युद्ध से दूसरी ताकतों को भी डर लगा था कि अगर ये जंग बड़ा रूप लेती है तो इसके परिणाम कई देशों को भुगतने पड़ सकते थे, और मुमकिन था कि उन्हें ऐसी दो शक्तियों में से किसी एक को चुनना भी पड़ता। यही खास बात रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में, कि परस्पर प्रेम हो या लड़ाई, वो न सिर्फ एशिया में बल्कि विश्व भर में नजर का केंद्र बन जाते हैं। विश्व के हर एक कोने में इस बात की चर्चा होती है, और भारत पाकिस्तान के रिश्तों का मुद्दा न सिर्फ इन दो मुल्कों के लिए बल्कि सभी छोटे बड़े देशों के लिए चिंता का विषय बना रहता है। अब कोई इनकी दुश्मनी पर नजरें रखता है तो कोई दोस्ती की संभावनाओं पर, कोई दोनों के साथ अपने ताल्लुकात एक जैसे बनाए रखना चाहता है जैसे अमेरिका, तो कोई स्पष्ट रूप से अपनी दोस्ती का चुनाव करता है जैसे रशिया भारत का और चाइना पाकिस्तान का। 1965 के बाद 1971 की जंग भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच LOC पर सीधी भिड़ंत थी, जो लगभग 13 दिन चली थी और इतिहास की सबसे छोटी जंग भी समझी जाती है। भारतीय फौज ने लगभग 90,000 पाकिस्तानियों से सरेंडर करवाया था और बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें 5 महीनों के अंदर रिहा भी कर दिया था। जंग की शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान से, जिसके तहत उन्होंने भारतीय वायुसेना के 11 एयरबेसिस पर हवाई हमले किए। इसकी एक वजह थी पश्चिमी पाक और बंगाली समूह वाले पूर्वी पाकिस्तान के बीच की टक्कर, जिसके बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तानी कमान ने हथियार डाले और फिर बांग्लादेश से 8 से 10 लाख लोगों ने भारत में पलायन किया। इस लड़ाई में तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए थे। विजयी होने पर भारतीय सेना ने तकरीबन 5,000 वर्ग मील की जमीन पर कब्जा किया था, लेकिन फिर 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाईचारा बढ़ाने के लिए शिमला समझौते पर दस्तखत किए और जीती हुई जमीन का टुकड़ा पाकिस्तान को वापस सौंप दिया, और साथ ही 90,000 कैदी भी, जिन्हें अगर भारत सही सलामत नहीं सौंपता तो बांग्लादेश के पीड़ित बदले की आग में नोच डालते। 1980 के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने यह तय किया कि ओपन वॉर में भारत को हराना मुश्किल है, तो प्रॉक्सी वॉर यानी टेररिज्म और सेपरेटिस्ट्स के जरिए भारत को कमजोर किया जाए। पंजाब में पाकिस्तान ने अलगाववादियों को अलग खालिस्तान बनाने के लिए उकसाया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस चाल को भी नाकाम कर दिया। समझौतों की बात दोहराएं तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भारत ने कई समझौते किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं शिमला समझौता, आगरा समझौता और लाहौर समझौता। लेकिन कश्मीर जैसे गंभीर मुद्दे ने कभी भी दोनों देशों के बीच की लकीर को मिटने नहीं दिया और शांति की सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया। जब तब छिड़ी लड़ाइयों ने कभी उस दरार को भरने ही नहीं दिया। 1971 के बाद 1984 में विवादित सियाचिन की जंग ने कश्मीर के मुद्दे से एक बार फिर दोनों देशों के बीच नफरत के रिश्ते को हवा दी। ये विवादित हिस्सा ना भारत की सीमा वाले कश्मीर में आता था ना पाकिस्तान वाले कश्मीर में, लेकिन 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम देते हुए 1,000 वर्ग मील वाली सियाचिन पहाड़ियों को अपने कब्जे में कर लिया था। सियाचिन पहाड़ियां विश्व की सबसे ऊंची रणभूमि के तौर पर जानी जाती हैं, जहां 6,000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी हमेशा तैनात रहते हैं। सियाचिन मौसम और कुदरत की मार आए दिन झेलता रहा है, जिसकी वजह से 2003 में आखिरकार दोनों देशों ने युद्ध विराम घोषित कर दिया।
और सियाचिन को आपसी कलह से दूर रखना ही बेहतर समझा। इसलिए ये क्षेत्र दोनों ओर के फौजियों की पैनी नजर के साथ एलओसी माना जाता है। जब हम एलओसी की बात करते हैं तो जो जंग लोगों के जहन में सबसे ज्यादा ताजा है वो है कारगिल की। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। यह कश्मीर के कारगिल सेक्टर से पाकिस्तान फौज की घुसपैठ का नतीजा था। पहाड़ी से पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज पर गोला बारूद बरसाया, लेकिन हिंदुस्तानी जाबाजों ने लगभग 2 महीने तक चली इस जंग में आखिरकार शानदार फतेह हासिल की और ऑपरेशन विजय का नाम देते हुए उसे अंजाम तक पहुंचाया। नुकसान दोनों देशों को हुआ और दोनों ही ओर की सेनाओं ने अपने सिपाहियों की शहादत दी और एक बार फिर शांति कायम करने की राजनीतिक कोशिशें मिट्टी में मिल गई। उस वक्त भी मौजूदा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ तख्त पर थे और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से शांति वार्ता भी की थी, लेकिन पाकिस्तान में रातों रात तख्तापलट हुआ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना की कमान के साथ पाकिस्तान की सत्ता भी अपने हाथ में ले ली। कारगिल के घाव भरने में दोनों देशों को लंबा वक्त लगा, लेकिन फिर मित्रता की कोशिशों ने भी फिर जोर पकड़ा और रिश्ता बनने की संभावनाएं बढ़ने लगी। 2001 में तख्त पर बैठे जनरल परवेज मुशर्रफ ने तब प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी से शांति वार्ता करने के लिए आगरा में भेंट की और इस खबर ने उस वक्त ही काफी सुर्खियां भी बटोरी। 2001 में ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए भारत की तरफ फिर मदद का हाथ बढ़ाया। जब गुजरात ने भूकंप की मार झेली तो जनरल मुशर्रफ ने इस्लामाबाद से अहमदाबाद के लिए हवाई मदद भेजी जिसमें राहत का सामान था। फिर 2008 में पाकिस्तान ने भूकंप के झटके झेले और भारी नुकसान भी। तब भारत ने अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया और पीड़ितों के लिए भारी भरकम मदद भेजी, आर्थिक और भौतिक दोनों रूप से। मुकाबले की बात करें तो खेल जगत में दोनों देशों के बीच का मुकाबला रोमांच की चरम सीमा पर होता है, लेकिन पड़ोसी देश हैं तो जीत हार और मुकाबलों का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा ही एक मुकाबला परमाणु हथियार का भी रहा है। भारत ने 1974 में ही पोखरण में परमाणु हथियार का कामयाब परीक्षण किया था, तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी आखिरकार 1998 में परमाणु परीक्षण किया, जिस पर भारत से ज्यादा दूसरी विदेशी ताकतों ने एतराज जताया। 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं इसके ठोस सबूत भी मिले। आतंकियों ने खुद उस ओर इशारा किया। ये हमला भारत के अहम पर चोट थी, लेकिन भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय शांति और सब्र का रास्ता लिया। हालांकि उस वक्त इस किस्से ने राजनीति गरमा दी थी। इसके बाद 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर हमला हुआ जिससे एक बार फिर बात बिगड़ गई। दिल्ली से अटारी की ओर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने वाली एक पहल थी और दोनों देशों के लोगों के लिए एक उपहार। लेकिन इस हमले से पुराने घाव ताजा हो गए और दोनों का विभाजन करती लकीर और भी गहरी। आंकड़ों के मुताबिक इसमें कुल 68 लोगों की जाने गई थी और मरने वालों में शामिल ज्यादातर पाकिस्तानी थे। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा गर्म रहने वाला ये माहौल कभी ठंडा ना हुआ हो। समझौता एक्सप्रेस की तरह ही सियाचिन को विराम दिया 2003 सीजफायर ने। भले ही ये मुद्दा आज भी विवादास्पद है और आए दिन होते हमलों की वजह भी, और बाकी की गर्माहट को कम किया 1999 में प्रस्तावित हुई दिल्ली लाहौर बस सेवा ने, जिस साल कारगिल युद्ध भी हुआ था। और शायद इसीलिए ये रिश्ता हमेशा दूसरी ताकतों की आंखों में खटकता रहा है। कभी वो अमेरिका जैसा एक कूटनीतिज्ञ देश होता है तो कभी कोई नापाक इरादों वाला आतंकवादी संगठन। 2008 में मुंबई पर हुआ आतंकवादी हमला भी इसमें शामिल है जिसने कई निर्दोष जाने ली और इसकी जिम्मेदारी ली एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने। लेकिन ऐसे कई हमले और हमलों के बाद होते समझौते दोनों देशों की ही जरूरत है। समझौतों की इस कड़ी में एक अहम समझौता इंडस वाटर ट्रीटी का है, जो 1960 में तब भारतीय प्रधानमंत्री रहे श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति श्री अयूब खान के बीच हुआ था। इसके मुताबिक 3 नदियां ब्यास, रावी और सतलुज भारत के हिस्से में आएंगी तो इंडस, चेनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में। हालांकि बाद में दिक्कत इस बात से हुई थी कि इनमें से किसका पानी किसके हिस्से आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली नदियां भी भारत से होकर ही बहती हैं।
पाकिस्तान ने भारत के कई सिपाहियों और आम लोगों को कैद में रखा हुआ है जिन पर सीमा पार करने या कोई और बंदिश तोड़ने के आरोप हैं। तो भारत भी रह रहकर पाकिस्तान में छिपे कई आतंकवादियों और गिरोहों की सूची जारी करता रहा है जो हिंदुस्तान में घुसपैठ और आतंक के दोषी हैं। और ये मुद्दा भी ऐसा मुद्दा है जो रह रहकर दोनों देशों के बीच कड़वाहट का काम करता है, क्योंकि दो अलग सोच और अलग नीतियों वाले देश आपस में हमेशा सहमत हों ऐसा जरूरी तो नहीं। पाकिस्तान में ऐसे कई जोड़े हैं जो हिंदुस्तान में पूरे हुए हैं, तो वहीं हिंदुस्तान में भी ऐसी कई जोड़ियां हैं जो सीमा पार से जीवन साथी चुनकर लाई हों। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की संस्कृति भी लगभग एक जैसी है और दोनों देश इसे पूरा बढ़ावा भी देते हैं। व्यापार हो, टीवी जगत हो, खेल हो या मनोरंजन से जुड़ा कोई दूसरा क्षेत्र, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की रेखा आम लोगों के लिए ना के बराबर है। भले ही राजनीति में उसके मायने ही और हैं, लेकिन देखा जाए तो रिश्ता वही है जो बंटवारे के बाद दो भाइयों के बीच होता है, खट्टा मीठा लेकिन हमेशा कायम एक रिश्ता जो पुरानी नई सभी यादों, उम्मीदों और कोशिशों को जिंदा रखता है। Hindu mythology talks about celestial nymphs, more commonly known as apsaras, who are the epitome of beauty and elegance. Sadhu ne kaha ki unhi ki tarah Pandu bhi apni mrityu ko prapt honge jab wo prem ke aavesh mein honge.